कभी आपने सोचा है कि कायनात में हर चीज गोल चक्कर क्यों लगा रही है? यानी यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से लेकर सबसे बड़े स्टार और गैलेक्सी तक इस वक्त एक मुस्तकिल राउंड जर्नी में है। और इस फैक्ट को देखते हुए ये प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है कि शायद हमारी कायनात खुद एक गोल चक्कर में है। हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में वाके ब्लैक होल जिसे सैगिटेरियस ए कहा जाता है उसके गिर्द घूम रहा है। ये स्पिन करने वाला यूनिवर्स का सबसे प्रोफाउंड लॉ कहां से और क्यों वजूद में आया? किसने और क्यों ये तर्ज़ अमल डिफाइन किया? इसका सॉलिड जवाब ताहाल अवेलेबल साइंस देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कहीं से भी आपको सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए हमें साइंटिफिकली स्पीकिंग यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है ये जानना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। हमारी रसाई अपने सोलर सिस्टम के सबसे करीबी नेबरिंग स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक भी नहीं, जो कि हमसे सिर्फ 4 लाइट ईयर्स दूर है। और ये फासला स्पेस की आपसी दूरियों के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ही हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लॉजिकल जवाब आज से 1400 साल पहले ही यूनिवर्स के मैन्युफैक्चरर ने हमें बड़े ही सिंपलेस्ट लेकिन मीनिंगफुल तरीके से बता दिया था। जरा कुरान पाक की सूरत नंबर 17 की आयत नंबर 44 पर गौर करें। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो इसकी हम्द के साथ इसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम इनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत ये है वो बड़ा ही बर्दबार और दरगुजर करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ने आसमान और जमीन की तमाम मौजूदात यानी एटम्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज को अपनी तस्बीह करने से रिलेट किया है। तस्बीह अरबी में प्रेज यानी बड़ाई बयान करने को कहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और गौर से सोचें तो तस्बीह इस धागे से बंधे मोतियों की लट को भी कहा जाता है, जिसे अमूमन मुसलमान अपनी याद दहानी के लिए अल्लाह की तस्बीह यानी जिक्र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका भी एक राउंड पैटर्न और साइकिल है, जो कि आप मुकम्मल करके वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से आप शुरू हुए थे। अब जरा गौर से सोचें, क्या बिल्कुल इसी तरह तमाम इलेक्ट्रॉन्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज गोल चक्कर नहीं लगा रहे और अल्लाह की मुस्तकिल तस्बीह नहीं कर रहे, जैसा कि कुरान में अल्लाह ने बताया है? और अब मैं आपको दुनिया की एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां बिल्कुल ऐसे ही 24 घंटे लगातार अल्लाह की तस्बीह होती है। अल्लाह कुरान में बार बार इंसानों से यही तो कहता है, तो क्या तुम गौर नहीं करते? अल्लाह हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक दे, क्योंकि हमारी इस इंटेलेक्चुअल जिंदगी का और कोई मकसद नहीं। आमीन।